हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सुख देखिए, जेपी यूनिवर्सिटी जो आपका छपरा में है उसका बीएड सेकेंड ईयर का सेशन 31 का आज हम मेथड का क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि आपका पहला दिन ही मेथड का एग्ज़ाम है और मेथड का आपका 40 नंबर का एग्ज़ाम होता है और इसमें आपको 3 घंटा टाइम मिलेगा और 10 क्वेश्चन दिया जाएगा 3 मिनट में, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। समझ को कभी आपका 6 क्वेश्चन भी देता है, 6 क्वेश्चन देगा तो 3 क्वेश्चन लिखना रहता है, लेकिन मैक्सिमम आपका 10 क्वेश्चन ही देता है। 10 क्वेश्चन देगा यानी 3 मिनट में, और आपको उसमें से प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों का जवाब देना है। समझ गए? अब देखिए क्वेश्चन कैसा आता है, उसका पैटर्न आप कराते हैं। कोई भी मेथड हो, इसमें सभी मेथड का आपको बताएंगे कि आपका कोई भी मेथड हो, आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, फिजिकल साइंस हो, बायोलॉजिकल साइंस हो, मैथ हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिंदी इंग्लिश, यानी जो भी मेथड हो आपका, समझ गया, इसमें सभी मेथड का आपका जितना 13-14 के समथिंग में मेथड पढ़ना है सभी मेथड में सेम पैटर्न पर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सेम पैटर्न पर कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आइए आपको बताते हैं। देखिए यूनिट 1 जो होता है उसमें आपका कोई भी मेथड हो उसमें आपका 2-3 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। अब 2-3 टाइप का क्या क्या है तो सुनिए। पहला क्वेश्चन पूछेगा शिक्षण सहायक सामग्री, समझ गए, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं उसी को, या इसी को हम लोग दृश्य शब्द सामग्री भी कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से, उसी को क्या कहते हैं हम, शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दृश्य शब्द सामग्री, समझ गए, ऑडियो विजुअल ऐड कहते हैं। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आपका कोई भी मेथड हो सब मेथड में पढ़ना है। दूसरा एक क्वेश्चन का इसमें पैटर्न रहता है तो पाठ सहगामी क्रिया रहता है, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा, पाठ सहगामी क्रिया यानी कोर कैरिकुलम एक्टिविटी, CCE जिसे बोलते हैं हम लोग, समझ गए, सॉरी CCA होता है, CCA अलग होता है, CCA यानी कोर कैरिकुलम एक्टिविटी पढ़ना है। तो दो आपका ये क्या है आपका यूनिट 1 में इसका रहेगा। यूनिट 2 में जो आपका रहता है वो पाठ योजना, इकाई योजना, माइक्रो टीचिंग, ये 3 गुट से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, पाठ योजना, इकाई योजना और आपका माइक्रो टीचिंग, समझ गए, शिक्षण कौशल भी दे देता है। और यूनिट 3 जो होता है उसमें आपका जो C9 में आप लोग मापन, मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण ये सब जो पढ़े हैं वही आपका रहता है। तो ये आपका क्वेश्चन का पैटर्न हो गया, यही पर रहेगा, समझ गए। इसमें हम 6 क्वेश्चन पर बताए हुए हैं, समझे, लेकिन आपका एग्जाम में 10 क्वेश्चन क्या होगा कि आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन रहेगा 3 मिनट में, और उसमें से आपको प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्न का जवाब देना है। 3 वही हो गया और 2 को कोई भी यूनिट से आप जवाब दे सकते हो। चलिए पहला यूनिट है कि शैक्षिक भ्रमण से आप क्या समझते हैं। इतिहास में शैक्षिक भ्रमण या पैटर्न नहीं घूमते हैं, पैटर्न का महत्व का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है कि इतिहास शिक्षण में प्रयुक्त विभिन्न पाठ सामग्री गतिविधियों का संक्षिप्त में चर्चा करें, यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोर करिकुलम एक्टिविटी। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है श्रवदिश सामग्री क्या है, यानी श्रवदिश यानी इसी को शिक्षण सहायक सामग्री भी कहते हैं, समझ गए। इतिहास शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न सामग्रियों का वर्णन करें। अब आते हैं हम लोग यूनिट 2 में। यूनिट 2 में क्वेश्चन है कि पाठ योजना से आप क्या समझते हैं, पाठ योजना का क्या आवश्यकता है, महत्व है। दूसरा क्वेश्चन है इकाई योजना से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता को लिखिए। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं, शिक्षण विधि कौशलों को वर्णन कीजिए। यानी यूनिट 2 में कोई भी आपका मेथड हो इसमें आप लोग पाठ योजना, एक पाठ योजना बना भी लीजिएगा, जो आपका मेथड होगा उसका एक पाठ योजना भी बना लीजिएगा, समझे। तो पाठ योजना पढ़ लीजिएगा अच्छा से, फिर उसका एक फॉर्मेट बना लीजिएगा, कोई भी आप तो 60 बनाए होंगे लेसन प्लान, एक लेसन प्लान अपने टॉपिक के किसी भी टॉपिक का बना लीजिएगा, समझ गए। इकाई योजना हो गया और एक माइक्रो टीचिंग इसमें पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग यूनिट 3 में। क्वेश्चन है कि मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं को लिखे। 6 क्वेश्चन है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, संकलनात्मक मूल्यांकन, निर्णयात्मक मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, मापन, निष्कर्ष संदर्भी मूल्यांकन और मानक संदर्भी मूल्यांकन। यानी ऐसे यानी कहने का मतलब जो यूनिट 3 होता है उसमें आपका C9 से क्वेश्चन आएगा, जो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है उसी से क्वेश्चन आता है, समझ गए। तो ये C9 का ही यूनिट 3 क्या होता है, पार्ट होता है, समझ गए। अब हम लोग देखते हैं सिविक्स का। अब देखिए सब में सेम वही मेथड है, कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के शिक्षण सामग्रियों की चर्चा करते हुए नागरिक साथ शिक्षण में इसका महत्व वर्णन करें। देखिए शिक्षण सामग्री आ गया ना, शिक्षण सहायक सामग्री। दूसरा क्वेश्चन है नागरिक साथ शिक्षण में विभिन्न पाठ सहगामी क्रियाकलापों का भूमिका का उदाहरण वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है नागरिक शास्त्र में इकाई योजना की आवश्यकता है, विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए, समझे।
इसमें इकाई योजना, पाठ योजना और आप यही क्या माइक्रो टीचिंग पढ़ लीजिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अगला है चौथा कि प्रभावी शिक्षण पाठ योजना हेतु क्या प्रक्रिया है उसको लिखना है, समझ के पाठ सुनाइएगा। पाँचवा क्वेश्चन है आपका कि मूल्यांकन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए मूल्यांकन के प्रयोजन के उदाहरण विभाजन यानी C9 सॉरी यानी यूनिट थर्ड है उस C9 से आपका आता है, समझ गए। और छठा क्वेश्चन है एक अच्छे मूल्यांकन उपकरण में गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। अब आते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स मेथड में, तो देखिए इसमें है कि अर्थशास्त्र शिक्षण आपका कहेगा कि 10 में 5 क्वेश्चन का जवाब देना है कि अर्थशास्त्र शिक्षण में शिक्षण से देखिए आ गया शिक्षण सहायक सामग्री क्या है, अर्थशास्त्र शिक्षण के में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्रियों का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है पाठ संगामी गतिविधियों से आपका क्या अभिप्राय है, अर्थशास्त्र शिक्षण में उपयोगी विभिन्न प्रकार की पाठ संगामी गतियों की संक्षिप्त चर्चा करें। यूनिट थर्ड तीसरा क्वेश्चन है कि इकाई योजना क्या है, इसकी आवश्यकता और निर्माण यानी यूनिट थर्ड में यूनिट टू में आप इकाई योजना पाठ योजना और आप माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण पढ़ लीजिएगा। इकाई योजना का क्या अर्थ है, इसकी आवश्यकता और निर्माण के विभिन्न चरणों का वर्णन करें। चौथा है कि अर्थशास्त्र शिक्षण में प्रयुक्त विभिन्न शिक्षण कौशल कौन कौन है, किसी एक शिक्षण कौशल के विभिन्न घटकों का वर्णन करें। पांचवा क्वेश्चन है शैक्षिक मूल्यांकन का अर्थ और प्रकृति को लिखे, शैक्षिक प्रक्रिया में इसकी आवश्यकता एवं भूमिका का चर्चा करें। छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित में दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, नैदानिक परीक्षण, प्रश्न बैंक, उपचारात्मक शिक्षण। अब आते हैं हम लोग इंग्लिश में, तो इंग्लिश का है कि क्वेश्चन है पहला कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोएट्री यानी उसका क्या उद्देश्य है, डिस्क्राइब मेजर स्टेप इन प्लानिंग एंड पोएट्री लेसन, समझ गया मैंने पोएट्री लेसन को हम कैसे बनाते हैं। अगला है व्हाट इज द प्लेस ऑफ टीचिंग ग्रामर इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश डिस्क्राइब इन योर ऑन लैंग्वेज। दूसरा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड में टीचिंग एड्स, मतलब वही शिक्षण सहायक सामग्री टीचिंग एड्स सॉरी हाँ शिक्षण सहायक सामग्री हो गया। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एड इन टीचिंग इन इंग्लिश। अब राइट द शॉर्ट नोट ऑफ टू कंप्यूटर असिस्टेंट लैंग्वेज लर्निंग इनोवेशन इन टीचिंग एड इन इंग्लिश ऑडियो विजुअल एड सिंपल टीचिंग एड, समझे। और अगला तीसरा क्वेश्चन जो है कि व्हाट आर द मतलब तीसरा का क्या करके फिर है कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड इंग्लिश टीचर एक्सप्लेन इन द योर ऑन वर्ड और फिर डिस्क्राइब डिफरेंट वे ऑफ टेस्टिंग इन रीडिंग एंड राइटिंग, समझ गए। और इसमें आप थोड़ा एक लेसन प्लान अपना बना लीजिएगा, समझे। अगला है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण से शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग करें प्रयोग तथा महत्व की व्याख्या करें, दो नियामक यानी 2D तथा 3D शिक्षण सहायक सामग्री तैयार करने की विधि को लिखें। दूसरा क्वेश्चन है कि छात्रों के मानसिक विकास हेतु गणित का उपयोग खेल के रूप में हम कैसे करते हैं पहेली तथा जादू वर्ग के उदाहरण से स्पष्ट करें। अगला क्वेश्चन है तीसरा कि पाठ योजना से आप क्या समझते हैं, पाठ योजना के विभिन्न चरणों की व्याख्या करें, समझ गए। अगला क्वेश्चन है गणित शिक्षण में सूक्ष्म योजना के प्रयोग एवं उद्देश्य की क्या करें व्याख्या करें, समझिए यानी सूक्ष्म वही माइक्रो टीचिंग। पांचवा है कि गणित में मूल्यांकन के अर्थ और उद्देश्य की व्याख्या करें। छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित में दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, मूल्यांकन के उपकरण, अच्छे मूल्यांकन उपकरण के गुण और तीसरा है मानकीकृत परीक्षण, चौथा है उपलब्धि परीक्षण। अब हम लोग आते हैं 7B यानी पैडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस में कि भौतिक विज्ञान शिक्षण दिस उपादनों यानी वही शिक्षण सहायक सामग्री की महत्ता का वर्णन करें। भौतिक विज्ञान शिक्षण में विज्ञान प्रयोगशाला के महत्व की विवेचना करें। भौतिक विज्ञान में शिक्षण उपादन के निर्माण उपयोग यानी वही टीचिंग एड आप बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा। भौतिक विज्ञान शिक्षण किसी एक प्रकरण को पाठ योजना बनाइए, समझे। और सूक्ष्म शिक्षण और आप इकाई योजना पढ़ लीजिएगा। मूल्यांकन के अर्थ उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित की दो संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, एक अच्छे उपकरण की विशेषता, उपलब्धि परीक्षण, निर्माणात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन और मूल्यांकन के उपकरण। अब आते हैं बायोलॉजी कि पाठ योजना से आप क्या समझते हैं, जीव विज्ञान शिक्षण में पाठ योजना की आवश्यकता है महत्व को बताइए। दूसरा क्वेश्चन है शिक्षण सहायक सामग्री क्या तात्पर्य है, जीव विज्ञान शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्रियों के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करें। दूसरा तीसरा क्वेश्चन है कोशिका क्या है, कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न कोशिकाओं का वर्णन करें। प्रकाश संश्लेषण क्या है यानी आपका जो यूनिट टू में जो क्वेश्चन आता है वो आपका क्वेश्चन आता है आपके बायोलॉजी के चैप्टर से, समझ गए। इसमें से आपका पादप के बारे में पूछ सकता है कि पादप जनन क्या होता है, समझे। इसमें आपका पादप हार्मोन यानी कोई भी आपका टॉपिक पूछा जा सकता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश पौधे के महत्वपूर्ण कैसे हैं। पांचवा क्वेश्चन है मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, आपका 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, समझ। 10 क्वेश्चन दिया जाएगा, 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, समझ गए। मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, जीव विज्ञान शिक्षण मूल्यांकन विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। और छठा क्वेश्चन निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, जीव विज्ञान शिक्षण निबंधनात्मक परीक्षण, जीव विज्ञान शिक्षण मूल्यांकन का उद्देश्य, जीव विज्ञान शिक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षण, जीव विज्ञान शिक्षण निष्पत्ति यानी अचीवमेंट टेस्ट। अब आते हैं हम लोग कंप्यूटर साइंस में
कंप्यूटर विज्ञान के प्रभावी शिक्षकों के गुणों का वर्णन करें। कंप्यूटर विज्ञान में विभिन्न शिक्षण सहायक समस्याओं का वर्णन करें। मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? मूल्यांकन की प्रकृति आवश्यकताओं का वर्णन करें। कंप्यूटर के माध्यम से मूल्यांकन कैसे किया जाता है? कंप्यूटर विज्ञान प्रयोगशाला की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन करें। छठा को जहाँ निम्नलिखित दो प्रश्न संक्षिप्त में लिए उपकरण एवं सामग्री। कंप्यूटर विज्ञान शिक्षण की समस्या। कंप्यूटर विज्ञान शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व। अब आते हैं हम लोग संस्कृत में कि संस्कृत शिक्षण हेतु अनुवाद विधि का वर्णन करते हुए इसके लाभ और सीमाओं का विवेचना करें। समझ गए? या कक्षा कक्ष शिक्षण हेतु पाठ योजना के महत्व का उल्लेख करते हुए ब्लूम महोदय द्वारा पाठ योजना के विविध चरणों का वर्णन करें। भाषा प्रयोगशाला क्या है? संस्कृत भाषा शिक्षण में भाषा प्रयोगशाला के महत्व का वर्णन करें। या क्रिंदों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें कि समान शिक्षण सामग्री, शिक्षण सामग्री की महत्व, दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री। और तीसरा क्वेश्चन, एक अच्छे संस्कृत शिक्षक गुणों की विवेचना करें। एक अच्छे परीक्षण के विषय, यानी इसमें मापन मूल्यांकन ये सब पढ़ लीजिएगा, वो आएगा आपके एग्जाम। अब आते हैं ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन है कि भूगोल शिक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन है कि भूगोल शिक्षण में शैक्षिक भ्रमण के आयोजन के महत्व का वर्णन करें। तीसरा क्वेश्चन है एक अच्छी पाठ योजना की प्रमुख विशेषता को लिखे। चौथा, इकाई योजना क्या है, इसके प्रमुख सोपानों का वर्णन करें। पांचवा है रचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट करें। छठा है निम्नलिखित में दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, उपलब्धि परीक्षण, संतुलित प्रश्न पत्र, मूल्यांकन का महत्व, इकाई योजना। अब आते हैं हम लोग हिंदी में, तो हिंदी शिक्षण में पाठ योजना का क्या महत्व है? हिंदी शिक्षण के लिए किसी पाठ योजना का उदाहरण सहित प्रस्तुत कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि हिंदी शिक्षण के समान सिद्धांतों को प्रस्तुत कीजिए। एक अच्छी हिंदी पाठ पुस्तक की विशेषता बताइए। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, कंप्यूटर सब भाषा अधिगम, भाषा प्रयोगशाला, शब्द सामग्री, समझे, अलुंगवा फोन। पांचवा, एक हिंदी भाषा शिक्षा के रूप में अच्छे प्रश्न पत्र का निर्माण करते हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मूल्यांकन का अवधारणा को स्पष्ट करके सभी प्रकारों का वर्णन करें। अब आते हैं हम लोग कॉमर्स में, एक तकनीकी युग में श्रव्य दृश्य उपकरण ने शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया को कैसे सुधारा है? वाणिज्य शिक्षण के विशेष संदर्भ में इसकी चर्चा करें। वाणिज्य शिक्षण को मजबूत करने के लिए पाठ्यक्रम गतिविधि, पाठ्यक्रम आपका जो गतिविधि कोर करिकुलम एक्टिविटी वर्णन करना। अगला है, आप पाठ योजना से क्या समझते हैं? पाठ योजना और इकाई योजना के बीच अंतर बताइए। चौथा क्वेश्चन है, प्रमुख शिक्षण कौशल के विकास के लिए सूक्ष्म शिक्षण योजना को वाणिज्य शिक्षण का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों माना जाता है? पांचवा क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण क्या है, इसकी आवश्यकता और महत्व को समझाइए। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दो प्रश्न संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, मूल्यांकन परीक्षण के प्रकार, उपलब्धि परीक्षण। अगला है पैडागोजी ऑफ होम साइंस, दल शिक्षण से आप क्या समझते हैं? गृह, ये आपका हो गया। सूक्ष्म शिक्षण यानी इसमें जो पढ़ लीजिएगा आप, यानी जो जो आपका पाठ सागामी क्रिया हो गया, फिर आपका क्या उसको बोलते हैं, सूक्ष्म शिक्षण सहायक सामग्री हो गया, फिर आपका पाठ योजना हो गया, इकाई योजना हो गया, सूक्ष्म शिक्षण हो गया, और फिर आपका मूल्यांकन और मापन से संबंधित क्वेश्चन यूनिट 8 में आता है। समझ गए? तो कर लीजिएगा, आपका इसी से हो जाएगा। समझ गए?